वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 9 में आपका स्वागत है। तो इसमें हम 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, जो कि डेथ से रिलेटेड है। फॉलोविंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद मेहता एंड सिन्हा। तो ये जो बैलेंस शीट है वो अरविंद मेहता और सिन्हा की बैलेंस शीट है, जो कि 31 मई 2015 को है। एंड हू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, इनका ओल्ड रेशियो 5:4:1 दे रखा है। तो लायबिलिटी साइड में है किनकी कैपिटल अकाउंट, तो अरविंद का है 2,80,000, मेहता का 1,70,000 और सिन्हा का 90,000। बिल्स पेबल में 22,000, संडे क्रेडिटर 25,000 और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड जानते हैं क्या करना होता है, अगर कोई क्लेम आया तो घटा दिया जाता है, नहीं तो ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाना चाहिए पार्टनर में। मशीनरी दे रखा है तो 2,50,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 84,000, स्टॉक दे रखा है 58,000, डेटर 75,000, बिल रिसीवल 38,000, बैंक बैलेंस 48,000 और गुडविल। तो ये आपका एडजस्टिंग गुडविल है और ये भी पार्टनर में बांट दिया जाता है, तो 60,000 का मरने वाले पार्टनर को इसमें से हिस्सा दिया जाएगा। तो आगे लिखा है कि मेहता डाइड, मेहता की मृत्यु हो जाती है, तो मेहता डाइड, मेहता मर रहा याद रखेंगे, बीच वाला पार्टनर इस पर गोला लगा लेंगे। तो मेहता डाइड ऑन, मेहता मर गया 31 अगस्त को 2015 में, तो यानी वो अप्रैल पूरा काम किया होगा, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त तक काम किया है, यानी वो 5 महीना काम किया है, ये ध्यान रखेंगे हम। और अंडर द टर्म ऑफ द डिड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर वाज इंटाइटल टू द फॉलोइंग। और जो सभी जो डिड में शर्तें होती हैं उसके अनुसार जो पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर है उसको क्या क्या चीज़ें देनी है। तो नंबर एक लिखा है अमाउंट स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है वो दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि कितना बैलेंस था। तो मेहता का बैलेंस आ रहा है 1,70,000 रुपये, तो 1,70,000 रुपये उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 1,70,000 रुपये उसे दिया जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मरने वाले पार्टनर को उसका कैपिटल दिया जाएगा 1,70,000 रुपये, उसकी कैपिटल दिया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। तो फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दिया जाएगा, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12%। अब बोला है मेहता हैड विड्रो मनी, उसने ड्राइंग की थी, तो तीसरी चीज़ उसने ड्राइंग की थी 23,000 रुपये ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो उसकी ड्राइंग काटा जाएगा। तो हमें ड्राइंग लिख लेता हूँ, मेहता की ड्राइंग हो गई 23,000 रुपये। अगला बोला है द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो उसको हक है कि वो प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा मरने की तारीख तक, बेस्ड ऑन द सेल, उसको सेल के आधार पर दिया जाएगा, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड दैट पीरियड विच अमाउंट टू, जो उस पीरियड तक जब वो मरा उसमें सेल हुई थी 2,40,000 की सेल हुई थी, द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर हैज़ बिन 10% ऑन सेल, और जो प्रॉफिट की रेट थी पिछले 3 सालों में वो 10% थी, तो यानी जो प्रॉफिट का रेट था वो था 10%, तो उसको देंगे 10% प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, इसका ये प्रॉफिट हो गया 4। पांचवा क्या देंगे, तो लिखा है कि देर वाज ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 9,000, तो एक उस पर डब्लू मतलब वर्कमैन कंपनसेशन पे उसका क्लेम आ गया 9,000, तो बचा हुआ पैसा देंगे उसे हम 9,000 घटाने के बाद। फिर आगे लिखा है शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस, उसे हम गुडविल का पैसा देंगे, छठा उसे गुडविल का पैसा देंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट इन द लास्ट ईयर लेस 20% प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014-15 72,000, तो उसे पिछले साल के 72,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से 20% घटाने के बाद, उसमें से 20% घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका कह रहा है ट्वाइस, उसके दुगने राशि दी जाएगी गुडविल, तो इसका दुगना राशि दी जाएगी और उसका शेयर जो भी होगा उसके हिसाब से उसे गुडविल दी जाएगी। अगला है कि मेहता एग्जीक्यूटर एग्री, साथ में लिखा है कि मेहता का जो एग्जीक्यूटर है
वो एग्री हो गया है, तो मेहता का एग्जीक्यूटर एग्री हो गया टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट इट्स बुक वैल्यू, तो बुक में जो इन्वेस्टमेंट है वो लेने के लिए वो सहमत है और कहता है फिर 30% ऑफ द बैलेंस, और जो बैलेंस बचेगा उसका 30% अमाउंट ड्यू टू बी पेड इमिडिएटली, कि उसे तुरंत पेमेंट कर दिया जाए बैंक से 30% शेष पैसे का, एंड रिमेनिंग अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाए लोन अकाउंट, और फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे रिमेनिंग पैसे बचे हुए पैसे को, और टू बी पेड इन टू, और उसको फिर दो इंस्टॉलमेंट में पे करना है और साथ में इंटरेस्ट लगाना है पे करने का 10% पर एनम। तो कहता है प्रिपेयर करो मेहता का कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे सौंपे जाएंगे, और एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है 31 मई 2015 को बनाना है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। बनाने से पहले कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं, जिसमें आपका था कि मरने वाले पार्टनर को क्या देना था। तो मरने वाले पार्टनर को एक तो कैपिटल देना था, तो अभी देंगे कैपिटल, फिर इंटरेस्ट, तो उन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं 12%, तो 170,000 का 12% 12/100, लेकिन पूरे साल का तो देंगे नहीं, उसने 5 महीना काम किया है तो 5/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 20 से 20 17/25 8500, तो 8500 रुपये उसका इंटरेस्ट उन कैपिटल आ गया। फिर उसे ड्राइंग देना था, तो ड्राइंग भी देंगे उसके अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये काटेंगे उसके अकाउंट से पैसा। फिर प्रॉफिट के पैसे देने थे, तो प्रॉफिट में उसका 10% हिस्सा निकल रहा है, तो पहले उसका प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा कि 24,000 का सेल है तो 10% के आधार पर उसे 10/100 हिस्सा मिलेगा, तो जो 24,000 है ये सभी का हिस्सा है इसमें, लेकिन इसमें हमें मेहता का प्रॉफिट निकालना है, तो मेहता का हिस्सा 24,000 में पूरा तो होगा नहीं, उसके शेयर का हिस्सा होगा, उसका शेयर था 4/10 केरा 4/10, तो उसे 4/10 देंगे जो कि 9600 रुपये आएगा। अब हम एक गुडविल का पैसा देंगे उसे, तो हम उसे गुडविल में कितना देंगे, तो पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर यानी 72,000 का था, उसमें से उसका हिस्सा होगा 4/10 जो कि काटने पे आएगा 28,800, और गुडविल बोला था ट्वाइस, तो इसका भी दुगना भी करना है, तो दुगना करना है, और दुगना करने पे आएगा 57,600, और इसमें से फिर लेस करना है, तो उसने बोला था इसका 20% लेस करना है, तो 57,600 का 20% लेस करना है, तो काटने पे आएगा 6×12 का 2 से 14 15 5 से 11, तो 11,520 रुपये माइनस कर देंगे, तो बच गया इतना, तो इतना रुपए जो है ये गुडविल का आ गया है। अब ये गुडविल का हिस्सा जो है गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, जब एक पार्टनर मर जाता है और कुछ हिसाब नहीं बताया तो गेनिंग रेशियो यही 5:1 हो जाता है, तो गेनिंग रेशियो 5:1 में इसे बांट देंगे, तो 46,080 को 5/6 हिस्से में अरविंद को दे देंगे, और ऐसे ही सिन्हा को दे देंगे इसी का 1/6 हिस्सा। ठीक है, तो इसको अब काट देंगे, तो इसको काट देते हैं, देखते हैं कि काट देने पे कितना पैसा बचेगा। ठीक है, तो ये काटने पे आएगा 38,400, और ये आएगा 6/42 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो काट लेना इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे मेहता का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मेहता का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर हम मेहता का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, बाकी डेट पर्टिकुलर तो आप जानते ही हो। अब क्या होगा, मेहता का कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी। देखो यहाँ पे उसका बैलेंस हमने लिखा था कि उसे 1,70,000 देने हैं, तो यहाँ पे आप उसे क्रेडिट कर दो उसके खाते में 1,70,000 रुपये। फिर हमें क्या देना था, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो कि अभी हमने निकाला था 8,500, तो 8,500। फिर वो क्या देना था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा देना था, तो अब ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है
वो हम चेक कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना था, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था वो 26,000 था, ठीक है। तो 26,000 में से देखोगे तो आपका क्लेम कितना आया था, तो 26,000 में से आपका क्लेम आया कितना, तो 26,000 में से क्लेम आया था 9, तो 9 घटाने पे आ जाएगा 19,000। 19,000 में से उसका हिस्सा 4/10 है, तो उसका 4/10 देंगे तो 19,000 में से उसका हिस्सा 4/10 ये गलत हो रहा है, 26 में से 9 गया तो 17,000, 17,000 का 4/68,000 आ रहा है, ठीक है। तो हम उसे 68,000 रुपये देंगे, तो 6,800 रुपये उसके हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड के पैसे दे देंगे, ठीक है। ये यहाँ नहीं करते, कहीं वर्किंग नोट में करना था तो छूट गया वहाँ पर, ठीक है। दोबारा समझ लो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 26 का था, उसमें से 9 का क्लेम आ गया तो बचा 17, तो 17,000 में उसका हिस्सा 4/10 देंगे तो 6,800 आ जाएगा। अब उसे हम प्रॉफिट देंगे, तो प्रॉफिट को देते हैं तो वो सस्पेंस के नाम से देते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोला था तो उसका हिस्सा आ रहा था 9600 रुपये, तो हम उसको 9600 रुपये दे देंगे। उसके बाद हम ये जो अभी गुडविल बांटे थे, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर क्या देंगे, पैसा देंगे। तो एक अरविंद देगा और एक कौन देगा, एक सिन्हा देगा, तो अरविंद के कैपिटल से कट जाएंगे और सिन्हा के कैपिटल से कट जाएंगे। तो कितना, 38,400 और 7,680, तो 38,400 और 7,680। और मेहता ने कुछ ड्राइंग की थी तो वो ड्राइंग हम काटेंगे। पर्सन में देखो, हमने कहीं ड्राइंग लिखी थी कि 23,000 की उसने ड्राइंग की है, तो 23,000 रुपये हम उसके काट लेंगे। फिर उसने गुडविल, एक गुडविल हमारे पास पड़ी थी डेबिट साइड में, तो 60,000 का एक चार मतलब उसको हिस्सा देंगे 4/10, तो 24,000 आएगा, तो हम उसे दे देंगे गुडविल अकाउंट, तो उसको दे देंगे हम 24,000। अब बस ये सारा हो गया, इसको अब जोड़ देंगे। तो इनको मैंने जोड़ा तो जोड़ने पा रहा है 240,980, इसको भी 240,980 आना चाहिए। अब इसमें से दोनों घटा देंगे और जो पैसा बचेगा वो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में चला जाएगा, लिख देंगे मेहता का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो इसमें चला जाएगा आपका 1,93,980। और ये पैसा फिर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा इस खाते में, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय मेहता, इस खाते से इस खाते में चला जाएगा, तो लिख देंगे बाय मेहता कैपिटल अकाउंट, तो कितना आ जाएगा 1,93,980 रुपये। तो पर्सन ने बोला था कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं, और फिर उसने बताया था कि कुछ उसने पैसे की डिमांड की है कैश, और फिर उसने कहा था कि कुछ पैसे जो बच जाएंगे वो मेहता के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो तीन खाते के नाम हम यहाँ लिख देंगे, टोटल 1,93,980, 1,93,980। तो वो लाइन पढ़ते हैं जहाँ पर वो बात हुई थी, मेहता एग्जीक्यूटर एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट इट्स बुक वैल्यू, यानी मेहता एग्जीक्यूटर कह रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे दे दो। तो अब इसको बैलेंस शीट में आप ढूंढोगे तो इन्वेस्टमेंट 84 का है, तो वो बोला है कि 84 दे दो, तो हम उसे 84 दे देंगे। उसके बाद बोला है कि 30% ऑफ द बैलेंस, और जो बैलेंस बचेगा उसका 30% अमाउंट टू बी पेड इमिडिएटली, उसको तुरंत उसको नकद दे देंगे, और जो बच जाएंगे वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और आगे किस्तों की बात कही है 10% पर एनम, अगर आगे इसका और अकाउंट बनता तो इसको करते, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो हम इन्वेस्टमेंट के उसे 84,000 बुक वैल्यू की दे देंगे,
और अब उसका कितना था, 1,93,980। तो 1,93,980 में से 84 गया, तो 1,09,980। अब इसका 30%, अब इसका 30% जो है हम उसके बैंक में डाल देंगे, जो कि आएगा 32,994। अब 1,93,980 में दोनों घटा देंगे और जो बच जाएगा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, वो आ जाएगा 76,986 रुपये। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।